दोस्तों क्या होगा अगर रोमन रेंस के सामने द फिंड ब्रे वाइट आ जाए और चैलेंज करे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में कोई नहीं हरा पाया तो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में रोमन रेंस इतनी जल्दी कैसे हार जाएंगे। दोस्तों अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है उससे ये पता चला है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हारने वाले नहीं हैं। मतलब रेसलमेनिया 39 तक हमें रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में ही देखने को मिलेंगे। रोमन रेंस को कोई नहीं हरा सकता। अब अगर WWE फ्यूचर में अपने प्लान चेंज कर दे तो फिर कुछ कह नहीं सकते, बट अभी WWE का जो प्लान है वो यही है कि वो रोमन रेंस के टाइटल रेन को रेसलमेनिया 39 तक ले जाने वाली है। अब ये WWE के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन दोनों चैंपियनशिप को एक कर देगी या फिर ये दोनों चैंपियनशिप अलग अलग ही रोमन रेंस के साथ रहेंगी, या फिर क्या पता इनमें से कोई एक चैंपियनशिप रोमन रेंस हार जाए और यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक ले जाए। दोस्तों अगर वाकई में रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक हारने वाले नहीं हैं तो जाहिर सी बात है फिर WWE ने रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया 39 में काफ़ी बड़े लेवल का मैच सेट कर रखा होगा और रेसलमेनिया 39 हॉलीवुड में होने वाली है, तो फिर सबके दिमाग में एक ही नाम है और वो है द मोस्ट इलेक्ट्रिफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, द पीपल्स चैंपियन, द रॉक। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा द रॉक आज के टाइम के काफ़ी बड़े लेवल के हॉलीवुड सुपरस्टार बन चुके हैं, इतने बड़े हॉलीवुड सुपरस्टार कि अगर WWE को रेसलमेनिया 39 के लिए द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच सेट करना होगा तो WWE ने 2-3 साल पहले से ही इस मैच के लिए द रॉक को इनवाइट कर दिया होगा। You are right, bro. लेकिन अगर द रॉक के बिजी शेड्यूल की वजह से किसी कारणवश द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच सेट नहीं होता तो फिर दोस्तों मेरे हिसाब से एक सुपरस्टार ऐसा है जिसका रिटर्न करवा के WWE रेसलमेनिया 39 में काफी बड़े लेवल का मैच सेट कर सकती है और वो सुपरस्टार है द फिंड ब्रे वाइट। दोस्तों द फिंड एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर के साथ मिलकर रोमन रेंस काफी बड़े लेवल का मैच दे सकते हैं रेसलमेनिया 39 के लिए। हालांकि ये मैच द रॉक वर्सेस रोमन रेंस जितना बड़े लेवल का नहीं होगा, लेकिन न्यू सुपरस्टार के हिसाब से देखें तो काफी बड़े लेवल का मैच बन सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रोमन रेंस वर्सेस द फिंड ब्रे वाइट काफी तगड़ा मैच बन सकता है, वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।